हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपकी खिदमत में अपने एक अजीज दोस्त, अपने एक क्लास फेलो भी हमारे करीम हैदर गिरदेजी साहब का YBR जी है, लेकिन ये सिंपल YBR तो आपने बहुत से देखे होंगे, YBR जी भी देखे होंगे, लेकिन ये जो बाइक है वैसे तो ये YBR जी है, लेकिन इसमें हंड्रेड ऑफ कॉस्मेटिक चेंजेस हुई हुई हैं जो करीम हैदर गिरदेजी साहब ने की हुई है, क्योंकि ये एक बाइक के स्क्रीन मिजाज बंदे हैं, तो उन्होंने देखने में ये YBR ना YBR लगता है ना YBR जी लगता है। तो चलें आपको दिखाते जाते हैं कि इन्होंने क्या क्या चेंजेस की हुई है अपनी बाइक में। अगर की सीट पे आ जाए तो इन्होंने आफ्टर मार्केट सीट बनवाई हुई है, कोशिश भी इन्होंने चेंज की हुई है, और बहुत वेलकमिंग सीट है और बहुत कंफर्टेबल भी है। इस तरह मैं आपको अगर बैठ के बताता चलूँ तो मैंने आम YBR पे भी सफ़र किया हुआ है, लेकिन इसकी जो सीट की कुशनिंग और इसका जो कंफर्ट लेवल है इंतहाई अच्छा है। इसी तरह अगर से मैं आपको टैंक पैड पे आ जाऊँ तो इसमें इन्होंने स्पेशल एक टैंकी पे आ जाऊँ तो इन्होंने टैंक पैड लगाया हुआ है यामाहा का। इसी तरह अगर इनका हैंडल बार पे आ जाऊँ तो इन्होंने फैट बार हैंडल डाला हुआ है, और टाइजर भी इन्होंने रिजोमा के डाले हुए हैं जो कि इसे बड़ी प्यारी लुक दे रहा है, आप देख रहे होंगे। और अगर इसी तरह अगर मैं मिरर्स दिखाता चलूँ आपको तो इन्होंने आफ्टर मार्केट मिरर्स डाले हुए हैं, जिसमें मैंने आपको बैक पे दिखाया रेयर व्यू कैमरा लगा हुआ है, तो वो इस तरह यहाँ पे इनके शो भी होता है, और फ्रंट व्यू भी आप देख रहे होंगे, फ्रंट पे भी इसके शीशे के कैमरा है तो आपको फ्रंट पे भी कैमरा शो होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप किसी टूरिंग पे जा रहे हैं और आप कोई अच्छा मंज़र देखते हैं तो आप यहाँ से पिक्चर कैप्चर करने में बहुत ईजी होता है, ना कि आप ड्राइविंग करते हुए कन्फ्यूज हो, आप शीशे में ही पिक्चर कैप्चर कर सकते हैं। और अपने रेयर पे अगर कोई आ रहा है ओवरटेकिंग के लिए, आपको शीशे पे नहीं रेयर व्यू कैमरा आपका होता है तो आप उस पर ईजीली ओवरटेकिंग भी कर सकते हैं। फ्रंट पे आ जाए तो फ्रंट पे इन्होंने आफ्टर मार्केट लाइट डाली हुई है, जिसमें डे लाइट के ऑप्शन है, प्रोजेक्शन लैंप है, और हाई पे प्रोजेक्शन लैंप और लो पे ये प्रोजेक्शन लैंप टाइप इन्होंने ये भी बड़ी खूबसूरत लाइट है। इसी तरह इन्होंने एक्स्ट्रा लाइट लगाई हुई है फॉर हाईवे पर्पज, और ये वो एक्स्ट्रा लाइट बड़ी खूबसूरत लगाई हुई है इन्होंने। फिर इसी तरह जर्मन बूट्स आते हैं ये YBR जी में, और अगर मडगार्ड की बात करें तो मडगार्ड भी इन्होंने फाइबर के इन्होंने स्टिकिंग कराई हुई है, माइक्रो फाइबर की स्टिकिंग कराई हुई है। और इसी तरह अगर इसका फ्रंट टायर साइज आपको दिखाता चलूँ तो 318 का इनका फ्रंट टायर आता है, इन्होंने फ्रंट टायर बैक की तरह फ्रंट टायर भी चेंज किया हुआ है, और 90-18 साइज डाला हुआ है। और इसी तरह अगर साइड पे आ जाऊँ तो साइड पे आपने देखा होगा कि इसके जो YBR जी के जो साइड कवर हैं उनमें यहाँ पे एयर फ्लो की विंड्स नहीं होती, इन्होंने यहाँ पे स्पेशल कवर लगाए हुए हैं ताकि एरोडायनेमिक्स बेहतर हो सके। और इसी तरह एरोडायनेमिक्स बेहतर करने के लिए इन्होंने नीचे मडगार्ड लगाया हुआ है, जिससे ये होता है एरोडायनेमिक्स भी गाड़ी बाइक की बेहतर होती है, और इंजन पे मिट्टी वगैरह या कीचड़ वगैरह लगने से भी बचत होती है। इसी तरह अगर आप और साइड पे आ जाएं तो इन्होंने NGK के प्लग डाला हुआ है, रेडियम प्लग है, और NGK की ही वायर है, इन्होंने NGK की प्रॉपर पूरी वायर इंजन तक डाली हुई है। और इसी तरह सिलेंसर इनका जेन्युइन ही सिलेंसर है, क्योंकि आफ्टर मार्केट सिलेंसर की नॉइज बहुत ज़्यादा होती है, तो इन्होंने जेन्युइन ही सिलेंसर पे पूरा सब जैसे अगला कंट्रास्ट देने के लिए माइक्रो फाइबर रैप कराया हुआ। इसी तरह अगर बैक पे आ जाए तो इसका जो जेन्युइन साइज आता है वो आता है 90-90-18, इन्होंने 110-90-18 डाला हुआ है। इसका टायर का आप साइज भी देख रहे होंगे, आपको शो होगा, एक तो टायर का साइज पीछे से काफ़ी चौड़ा है, जिससे इनसे मैंने जैसे पूछा है इनकी टूरिंग वगैरह भी करते हैं तो इनकी ग्रिप भी इनहेंस हुई है, रोड ग्रिप जिसे आप कहते हैं, और इनकी ब्रेकिंग भी बेहतर हो गई है। इसी तरह टायर के बाद अगर हम थोड़ा सा ऊपर आ जाएं तो इन्होंने बैक कैम लगाया हुआ है इसके ऊपर, जिसके फ्रंट इन्होंने मिरर लगाए हुए हैं, उस पर इनको बैक व्यू सारा मिलता है। और आप जैसे देख रहे होंगे ये 17 मॉडल है, अक्सर जो मॉडल है 17-16 के उनके इशारे सारे बैठ जाते हैं, या इनके आप इशारों भी देख रहे होंगे, अभी तक इन्होंने इतना लव और केयर से रखा हुआ है, इनके इशारे बिल्कुल सीधे और सही खड़े हुए हैं, आप ये देख रहे होंगे। थैंक यू गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप न्यू आने वाली वीडियो से आगाह रह सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।